खातिन जरात जितना ही इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन है और वो की एट्रीब्यूट्स जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं स्ट्रेंथन करते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें आइडेंटिफाई करें अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है खातिन हज़रा यकीन जानिए आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे है यू विल बी लॉस्ट बिटवीन अ टाइम एंड स्पेस सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिफाइन योर गोल्स एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू कैन सी द फोर एक्शनेबल प्लान आई हैव लेड डाउन फॉर यू स्टार्टिंग फ्रॉम मेयरेबल मेयरेबल का मतलब क्या है जैसे हमें मालूम है कि अगर आप सीधी लकीर पर चली जा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव आपका रोड मैप ही नहीं डिफाइन यू नेवर बी एबल टू अचीव योर डेस्टिनेशन बिकॉज आप तो चलते रहेंगे इंफिनिटी बाउंड आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आया आपका गोल मेयरेबल भी है कि नहीं है उसकी कोई मंजिल भी है कि नहीं है उसका कोई एंड पॉइंट भी है कि नहीं है बोलना तो अगर आपने किसी को देखा सक्सेसफुल होते हुए और आपने कहा जनाब मैं भी यही काम करूंगा यकीन जानिए कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया टाइम ना ज़ाया करना दोस्तों टाइम बहुत कीमती है एक दफ़ा हाथ से निकल जाए वापस नहीं आता ये जानिए कि आपका गोल मेयरेबल है उसका स्कोप है उसका एंड पॉइंट है और अगर उसका एंड पॉइंट है तो फिर वो यकीन एक गोल है जो आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है दूसरा इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग योर गोल इज़ हमने यह तो मालूम कर लिया कि हमारा गोल मेयरेबल है क्या उसकी ट्रैकिंग भी अवेलेबल है क्या हमें पता है कि किस किस माइलस्टोन पे किस, किस किस कदम पे हमने क्या अचीव करना है अगर हमें यह नहीं पता लगेगा तो हम एंड पॉइंट तो देख रहे हैं बट उस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो की फैक्टर्स हैं उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर मंजिल में पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं अंग्रेजी की सेइंग है दोस्तों लिटल बाय लिटल वन ट्रेवल्स फार हर कदम पे एक स्टॉप होता है हर कदम पे एक ठहराव होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लेकिन छोटे छोटे कदम ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं क्या आपका जो गोल है वो ट्रैकेबल है आपको मालूम है कि आपने अपनी मंजिल तक किस रास्ते से गुजर के पहुंचना है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज इज इट रेलिवेंट मिस्टर एक्स वाई जी हैज अचीव समथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली डन समथिंग जरूरी तो नहीं है कि आप भी वो बात करें वो काम करें उससे पैसा कमाने का सोचें जो मिस्टर एक्स वाई जी ने किया था क्या वो आपसे रेलिवेंट है मुझे क्रिकेट नहीं खेलने आती लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और मैं हामी भर लूं, क्या मैं अपने इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए रेलिवेंसी शो कर रहा हूं हरगिज़ नहीं मेरा तो वो काम ही नहीं है मैं दोबारा मिसाल दूंगा कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया रेलिवेंसी तलाश करना बहुत जरूरी है आप किसी से इंस्पायर हो के उस काम में जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के घंटे और बेतहाशा घंटे नहीं लगाते यकीन जानिए आप कभी भी उस काम की रेलिवेंस को नहीं समझ सकते और वो काम आपके लिए शायद बना भी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप जिस गोल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आप ही के लिए बना हुआ है आप उसकी रेलिवेंट अप्रोच को जरूर नापिए अटेनेबल बहुत सारे लोग आप आम गुफ्तगु में देखते हैं ऑफ टॉपिक होऊंगा मिसाल दूंगा भाई मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूं काम क्या करते थे डिग्री क्या थी तालीम क्या थी इंजीनियरिंग मेडिसिन और करना क्या चाहते हैं प्रॉपर्टी का काम अटेनेबल तो है कैसे अटेनेबल है क्या करेंगे क्या आपके पास इतना सरमाया है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस काम को करके आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे आपको यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो भी गोल आपने सेट किया अपनी लाइफ में अपने रोज़मर ज़िंदगी में क्या वो अटेनेबल है क्या उसके लिए आपने जो पॉइंट्स और जो तरीका ढूंढा है आप उसको अचीव कर सकते हैं तो ये ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए गोल सेटिंग करते हुए कि जो गोल आपने सेट किया है खातिनो हजरात आया उसमें इतना पोटेंशल है कि आप उसको अटेन कर सकें या इसको दूसरे अल्फाज में ले लेते हैं क्या आप में इतना पोटेंशल है कि आप अपना गोल डिफाइंड गोल्ड अटेन कर सकते हैं